हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुजात कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन सार के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमारे नुस्खे, हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले मेडिसिन का एक नुस्खा बताया था, जिससे 5 गोलियां थी मेडिसिन वाली। उसके बाद फिर मैंने आपको माजून का नुस्खा बताया। आज ही हम आपको बताएंगे गर्म नुस्खा। अच्छा, गर्म नुस्खा, ये गर्म पानी भी आज बनाना सिखाएंगे, और गर्म नुस्खा देते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं ये लोग, वो सारा आज आपको बताएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था जो मेडिसिन वाला नुस्खा है वो है सदाबहार नुस्खा। मेडिसिन जिस सीजन मर्जी, बैसाख, जेठ, असूद, जो मर्जी बच्चों की बाजियों, मेडिसिन वाला नुस्खा सबसे जबरदस्त कारामद नुस्खा है। शाम को कैप्सूल लगाए 11 बजे और सुबह 10 cc पानी लगा के इसको उड़ा दे, कबूतर आपका उड़ के बैठेगा। दूसरा मैंने आपको नुस्खा बताया था माजून का नुस्खा। माजून का नुस्खा देखिए वो होता है ठंडा नुस्खा, वो देते हैं सिर्फ बैसाख और जेठ में। और माजून का नुस्खा किस कबूतर को देते हैं जो ऑलरेडी तकरीबन 11-12 बजे तक प्रवास कर रहा हो। 11-12 बजे जो प्रवास दे रहा होगा कबूतर, उसको आपको मेडिसिन लगाने की जरूरत नहीं। माजून में ऑलरेडी हल्की सी मेडिसिन टच किया होता है, उसका वो टेस्ट आ जाता है उसके अंदर, तो वो आपको तकरीबन 4 बजे तक कबूतर जो है ना उसका प्रवास दे देता है आपको, जो 11-12 बजे वाले भी होता है। ये आज मैं बता लगा आपको गर्म नुस्खा, ये लोग बनाते हैं गर्म नुस्खा, बनाते कैसे है। देखिये, मुख्तलिफ तरीकाकार है लोगों के। मैंने आपको पहले बताया था जो माजून है, लोग बड़े बड़े कहते थे जी वो फलां हकीम दी माजून, वो फलां जी इसमें कस्तूरी सुचे मोती, ऐसा कुछ नहीं होता। वो चंद एक लोग होंगे जो मंगवा लेते होंगे, जो अफोर्ड करते रहते होंगे, यहां से मिलती भी नहीं है, वो आती बाहर से है, वो यहां पे मिलती नहीं है। तो आप देसी नुस्खा जो है वो कैसे लोग बनाते थे, देखिये आपने सुना होगा मनक्के पे जी, ओ जी मनक्के की गोली उसने बनाई, उन्हें दीती, ओ जी वो कबूतर शाम नू बैठ गया। बिल्कुल, ये गर्म पानी पे बनती है, गर्म पानी भी बनाना सिखाएंगे। और मनक्के की गोली बनती कैसे, मनक्का होता क्या है, देखिए जी ये देखिएगा, ये शेप, ये मनक्का होता है, तो देखिएगा मेवे का भड़ा कजन कह सकते हैं आप इसको, कि ये मनक्का जो होता है। अच्छा, इसको बनाने का एक तरीका कार होता है। अच्छा, मैं पहले ना आपको बात बता दूं कि जो है ना पहले जो थे लोग बनाते कैसे थे इसको, वो लोग क्या करते क्या थे कि मैंने एक दफा हुआ क्या कि एक दफा बाजी में जी, काफी साल पहले की बात है, मैंने बताया 22 साल हो गए, ये तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है। वो एक हमारे जिसे कहते हैं वो भाई थे, उन्होंने आके जी मनक्का लगाया, 5 गोलियों का मनक्का लगाया। तो अब ना मनक्का के मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बनाया कैसे, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा नहीं जी बस ये फार्मूला ऐसे ही है। अच्छा, उनमें से एक गोली उनके पास उठाएगी, तो मैंने तजस्सुस किया, मैंने कहा जरा मैं देखूं तो सही बनाई क्या है। तो मैंने देखा मनक्का जो था ना, मनक्के को खोल के उन्होंने अंदर एवल की गोली रखी हुई। अब आप अंदाजा करें कि थी वो मेडिसिन ही, लेकिन आम देखने वाला वो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बनी थी, ये देखिए ऐसे मनक्का जिस तरह है बनी हुई, लेकिन क्या था कि उसके अंदर उसको खोल के ना उसके बीज निकाल के अंदर एवल की आधी गोली रखी हुई उन्होंने। अब मैं हैरान, मैंने कहा कि यार ये तो एवल की गोली रखी हुई है, तो इन्होंने मनक्का वैसे हमें कहा कि देसी नुस्खा। बेसिकली ये देखिए मैंने आपको बताया, ये टैक्टिक्स है लोगों के, लोग बताते नहीं है कि अंदर क्या है, खुद ही लगाएंगे, आएंगे भी स्वाद खुद ही लगाएंगे और खुद ही लगा के गर्म पानी लगा के कहेंगे नहीं जी देसी नुस्खा जी, देखिए कबूतर कैसा उड़ता है। मैंने आपको बताया माजून हो कोई भी चीज हो, मेडिसिन के बगैर कबूतर नहीं उड़ता, बेशक हल्का सा उसके बाद टच क्यों ना हो, मेडिसिन के बगैर कबूतर आसमान बंद नहीं होता। चाहे आप माजून कुश्ते जो मर्जी लगा लें, गर्म पानी जो मर्जी लगा ले, कबूतर कभी परवाज नहीं देगा जब तक उसमें मेडिसिन का टच नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन असल बात ये है हमारे कई कबूतर परवर जो है वो कहते जी एवल लगा लें, एवल सबसे अच्छी है। यार सबसे खतरनाक एवल होती है, कबूतर जब गिरता है, जब मरता है बेचारा एवल पे मरता है। होता क्या, लोगों को क्वांटिटी का पता नहीं होता, एक्सेस गोली लगा देते हैं, कबूतर गया फट गया, ऊपर से जाके बेचारा इधर उधर गिर जाता है, या घर आएगा तो घर आके बेचारा ऐसे गिरेगा और उस वक्त या तो बेचारा मर जाता है, तो या अगर बच भी गया तो बेचारे के पार पार खत्म हो जाते हैं। इस कदर मैं इसलिए कभी वो मैंने देखे आपको पहले बताया हुआ परिंदे को शौक का शौक की तरह रखे, जुल्म नहीं करना किसी जानवर पे, इंसानियत से बड़ा जुल्म है किसी परिंदे पे जुल्म करना। आपने अगर उसको फार्मूला लगाना है, पहले आप उसकी जान की हिफाजत करें, सेफ्टी करें। मैंने मेडिसिन के अंदर 2 मेडिसिन कबूतर की जान की हिफाजत के लिए लगाई हुई है, कॉन्कर और लोप्रिन दोनों उसकी सेफ्टी करती हैं। ये जो गर्म नुस्खा आपको बता लगा हूं, गर्म नुस्खा कब लगाते हैं, गर्म नुस्खा लगाते हैं, देखिए उस्ताद हजरात ने हर तरह के फार्मूले तैयार रखे होते हैं। फर्ज करें अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम ठंडा हो गया है, आपको अगले दिन बाजी या रात को आपको पता चला जी मौसम ठंडा हो गया है, अब आपने क्या कहेंगे फटाफट आपने ये वाला नुस्खा तैयार कर लेना है, और सुबह जिस तरह मौसम बारिश वाला है आपने फौरन गर्म पानी लगाया उड़ा देना है। आए बताते बताता हूं आपको बनाकर कैसे है।
एक जी आपने मरक्का लेना है, देखिए मैंने आपको बताया पांच मरक्के लेने हैं आपने, जरा प्लेट पे क्लोज कीजिएगा, ये जी पांच मरक्के लेने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5। अच्छा ये जी मैंने थोड़ा सा जरा पेस्ट बनाया, ये कल वाला पहले वाला एक पड़ा हुआ था मैंने समझाने के लिए, आपने क्या करना है जो मेरा मेडिसिन वाला फार्मूला था पांच गोलियों वाला, आपने याद रखना है पांच गोलियां उस मेडिसिन फार्मूले में डलती हैं, पांच गोलियों को पीस के पाउडर शेप में करके आपने इसी तरह प्लेट में एक जगह पे ले लेते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने ये लिया हुआ है, ये मैंने बताया ये काम है, ये पहले वाला बचा हुआ था मैंने वो इस्तेमाल कर रहा हूं, आप ये ना समझिएगा छोटा सा है, आपने पांच गोलियों का पूरा पाउडर लेके इस तरह रख लेना है, पांच मनुक्कों के आपने करना क्या है इसी तरह इसके ना जो पाउडर है इसके पांच हिस्से कर लेने हैं आपने, बराबर के पांच हिस्से। अच्छा अब आपने करना क्या है, पांचों मनुक्कों के ना आपने बीज निकाल देने, ये देखिएगा इसको जब खोलते ना आप इस तरह, ये देखें इसके अंदर से ये बीज निकले, ये देखें आपने ये बीज निकाल देने इसके, ये देखें ये बीज निकले आपने, ये बीज जो है ना आपने इसके रिमूव कर देने, यहां पे आपने तसल्ली से इसको देख रहे हैं कि ये बीज इसके यहां से ऐसे निकल जाएं, ये देखें अब ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया, देखें अब ये खाली हो गया बिल्कुल, ठीक हो गया, ये मनक्का जब खाली हो जाए। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने जो इक्वल पोर्शन जो मेडिसिन पांच गोलियों के जो पाउडर बनाया था, पांच गोलियों को अपने पीस के पाउडर बनाया था उसके पांच हिस्से कर लेने हैं, और एक एक वो जो हिस्सा किया था उसको इसी तरह करके तो इसके अंदर ऐसे लगा देना है इसको, यानी कि डाल देना है, बल्कि लगाना नहीं है, ऐसे करके ये देखेंगे डाल देना है, जरा देखिएगा जरा क्लोज कराइएगा, ये देखें ऐसे करके ना मनक्के के अंदर लगा देना है, ये आपका ये तकरीबन इतना पाउडर बनेगा जो पांचवी गोली का बनेगा, ये पांच आपने गोलियां बनानी है, पांच गोलियां मेडिसिन की पाउडर करके पांच हिस्से कर लेने हैं, पांच मनक्के ले लेने हैं और उसको इस तरह बीज लाजमी निकाल लेने हैं, ये फार्मूले का हिस्सा बीज निकाल लेने हैं, आपने ये फार्मूला इसके अंदर इस तरह डाल के तो इसको बड़े आराम से आप जब बंद करेंगे ना, ये ऐसे करके ये बंद करेंगे, ये चिपचिपा हुआ होता है ये खुद ही से ऐसे ब्लॉक हो जाता है, ये देखिए अब आप जिस तरह इसको बेशक ऐसे गोल कर लें ताकि इसका मुंह बंद हो जाए, ये ऐसे कर लें इसको, ये देखिए जब आप इसको ऐसे कर लेंगे तो ये गोल शेप में आप इसको लें, ये जी आपके मनक्के की गोली बन गई है, ये देखिए अब आप देखें कि ये जो मनक्के की गोली बनी है, आप किसी को कहते जी मनक्का जी मैं गर्म करके जी बनाया जी गोली बनाइए, कोई कह सकता है कि इसके अंदर मेडिसिन है, कोई जज भी नहीं कर सकता, लेकिन ये उस्ताद यही करते हैं, गर्म फार्मूला जब बनाते हैं तो वो इसी तरह करते हैं कि इसको गोली को इस तरह बना लेते हैं कि आपकी ये एक गोली बन गई। अच्छा आपकी इसी तरह ये पांच आपने गोलियां ये मनक्के की ऐसी बना लेनी है, पांच गोलियां जब बन गई अब आपने करना क्या, आपने गर्म पानी बनाना है, गर्म पानी कैसे बनाने जरा क्लोज कीजिएगा जी, आपने एक चम्मच ये देखिए पहले कप ले लेना है, मेरे बड़े दोस्त पूछते हैं कि पानी की कितनी तादाद हो, मैं जब कप कहता हूं कप का मतलब ये आम चाय वाला कप जो है नॉर्मल कप आपने पानी का भर लेना है, ये देखिए ये नहीं कि ऊपर तक आप भर ले, बस ये नॉर्मल देखे यहां तक भर लिया, इस कप के अंदर एक चम्मच आपने सफेद जीरा, ये एक चम्मच नहीं है, मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूं कि ये एक चीज सफेद जीरा एक चाय का चम्मच जो होता है इस तरह कप में डाल देना है, ये सिर्फ पांच लौंग आपने लेने हैं, मैं बता रहा हूं सिर्फ पांच लौंग, ज्यादा नहीं लेने, ये पांच लौंग लेके आपने पानी में डाल देने हैं, इतना पीस गुड़ का, मेरे से कई दोस्त पूछ रहे जी गुड़ कितना डालें उसमें वो क्वांटिटी पूछते हैं, जब मैं कहूं ना ये छोटा सा पीस तो छोटा सा पीस का मतलब होता है ये साइज, ये देख ले एक पीस गुड़ का, ये आपने इसी मग में डाल लेना है, तीन चीजें हो गई, एक चीज जो है ये देखें मैं आपको डाल दिखाता हूं, ये गुड़ ऐसे इसमें पानी में डाल देना है, ये पांच लौंग आपने ऐसे डाल देने, ये देखें पांच से ज्यादा लौंग नहीं डालने, पांच लौंग डालने हैं, ये सफेद जीरा थोड़ा कम है मैंने वीडियो बनाने के लिए कहा है, एक चाय का चम्मच सफेद जीरे का ऐसे डाल देना है, जब आपने ये तीन चीजें डाल देनी है, आपने सूंड लेनी है, अच्छा सूंड पाउडर में भी मिलती है और टुकड़ा भी होता है, पाउडर ऐसे होता है सूंड का पाउडर, सूंड होती क्या है, सूंड बेसिकली अदरक को कहते हैं, ड्राई अदरक जो होता है इसको सूंड भी कहते हैं, लेकिन ये जरा पुराना हो जाता है तो इसका नाम सूंड रखा होता है, मुझे नहीं पता बाकी मुल्कों में क्या कहते हैं इसका, इंग्लिश में वर्ड मुझे नहीं पता, लेकिन अदरक आप गार्लिक जिसको बोलते हैं,
ये सॉरी ये जिसे कहते हैं जिंजर, सॉरी सॉरी गार्लिक तो वो होता है, जिंजर, जिंजर जो होता है ड्राई जिंजर आपने वो ले लें, इसका पीस ले लें, या आप ये ले लें जो ड्राई पाउडर होता है, मेरे पास सुंड का ये पड़ा था ये पाउडर, आपने एक चम्मच पाउडर, एक चम्मच नहीं एक चम्मच यानी कि भर के नहीं डालना, ये पहाड़ी बना दे इस चम्मच की, देखिए मैंने इसलिए चम्मच आ रखा है आधा, यानी कि इसको आप बस इसके सरफेस के लेवल तक बस इसका करते हैं तो ये चम्मच होता है, ये नहीं करना कि ऐसे भर के और वो पूरी पहाड़ी बनी हो, ऐसे नहीं करना, आपने बस ये लेके, ये मैंने आपको सिर्फ वीडियो बनाने के दिखा रहा हूं, आपने इतना ही लेना है क्वांटिटी का चम्मच हल्का सा, ये ऐसे लेके इसमें डाल देना है बस। ये अब आपकी चार चीजों का ये पानी बन गया है, इसको आप चम्मच से हल्का सा हिला भी सकते हैं, ये देखें, ये देखें ये पेस्ट इस तरह की कलर आ जाएगा इसका, बेसिकली ये कलर इसका गुड़ की वजह से आया है। अब आपने क्या करना है, आपने आपने ये जो कप था, ये जो कप है इसको आपने चूल्हे पे रख लेना और इसको उबाल लेना हल्की आंच में, 15 मिनट के बाद ये आधे से भी कम रह जाएगा, जब ये आधे से भी कम थोड़ा सा रह जाए कम रह जाए तब आपने इसको छान लेना अच्छी तरह, मैं आपको बता रहा हूं किसी किस्म का इसके अंदर वो जर्रे नहीं आने चाहिए, आपने छान लेना है, और जो चाय वाली छलनी होती है उसे छान के आपने पेस्ट कर देना है, रात को जब आपने सेम टाइम वही है 11 बजे के करीब आपने ये कैप्सूल मनक्का मनक्का लेना है, और कबूतर को ये बिल्कुल ये ना कीजिएगा कि ये गोल है तो गोल इसके गले में उतार दे बेचारे के गले ही छील दे, ये नहीं करना आपने, आपने इसको हल्का सा ऐसे करके कैप्सूल टाइप बना लेना है, वो जो मैं कैप्सूल कह रहा था कैप्सूल मतलब था कि इसको ऐसे हल्का सा गोल करके कैप्सूल बना लेना, जब ये कैप्सूल शेप में आ जाए इसको हल्का सा पहले इसी पानी में ना इसी पानी में हल्का सा ऐसे ऐसे डिप करके आप कबूतर के गले में उतार लें, जब सेटिस्फाइड आप हो जाए कि उसके मेदे में उतर गया, बड़े आराम से गला नहीं छीलना उसका, मैं आपको पहले बता दूं तो 10 सीसी ये जो पानी आपने उबाला था 10 सीसी पानी लेके आपने कबूतर को लगा के छोड़ देना है आपने बस। देखें एक मेरी बात याद रखिएगा, कई उस्ताद हजरात पता क्या कहेंगे, ओ यार ऐसे काटे गए ऐसे बिछते काली मिर्च पा अजवैन पा इंज कर वो कर, यार इसको इतना गर्म पानी नहीं बनाना, ये आपने लाइट सा पानी देना इसको ताकि कबूतर बेचारा जल ना जाए अंदर से, आपने हल्का सा कबूतर गर्म करना ना कि उसको गर्म पानी दे के मार दे अंदर से उस बेचारे को। मौसम में मैंने आपको बताया है कि किस तरह देना है, जो मेडिसिन वाला नुस्खा था मेरा वो सदाबहार है, पानी के साथ देना है सदाबहार, उड़ाने से पहले 10 सीसी पानी, रिजल्ट देखिए। माजून वाला गर्मी का नुस्खा है, जब देखें रात को भी गर्मी है दिन को भी गर्मी है, माजून से वो कबूतर जो 11-12 बजे के पार बैठते हैं उनको दे, शाम को कबूतर बैठेगा कबूतर मौसम ठंडा हो गया है, ये गर्म पानी तब बनाते हैं ये उस्ताद हजरात, मैं देखने वाले को बता रहा हूं, आप सब मौसमों के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखा करें कि आपको सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। ये देखिए मैंने नुस्खा विद इन 10 मिनट्स में बना लिया है, आपने भी इतना टाइम लगाना है, आपने रात को 10 सीसी ये वाला पानी जो बनाया है 10 सीसी गर्म पानी लेके आपने हल्का सा लगा देना है, सिर्फ चार चीजें इसमें डालनी है मैं बता रहा हूं, आपने इसमें गुड़ डाला है, सफेद जीरा आपने डाला है, और इसमें आपने ये सूंड डाली है, और जिसे कहते हैं क्या कहते हैं ये मनक्के को आपने करके, तो आपने लौंग 5 लौंग डाले हैं, आपने ये चार चीजें डाल के आपने मनक्का कबूतर को उतार के 10 सीसी पानी दे देना है रात 11 बजे, कबूतर को आराम से उसको जगह पे छोड़ देना है, सिर्फ 5-10 मिनट देख लेना कबूतर ओक तो नहीं रहा उसको, वो अंदर करके बस 5-10 मिनट देख के उसको बंद कर दे, सुबह उड़ाने से पहले गर्म पानी नहीं देना, यही मैं आपको बताने लगा था, उड़ाने से पहले आपने कबूतर के पंजे साफ करने हैं, 10 सीसी सादा पानी लगाना है, यही वो गलती है जहां पे सब कबूतरबाज गलती करते हैं, क्या करते हैं वही रात वाला पानी पकड़ते हैं गर्म टक बोल मार देते हैं कबूतर जल जाता है अंदर से, देखिए आपने ऑलरेडी इसको गर्म कर दिया रात को, बस उसको इतनी गर्मी की जरूरत है इससे ज्यादा गर्मी की उसको जरूरत भी नहीं है, सुबह आपने 10 सीसी सादा पानी लगाना है बिल्कुल 10 सीसी देखिए उड़ा दे, इंशाल्लाह कबूतर आप देखिएगा आप पर टाइम करके बैठेगा और आपको मजा आएगा। मैंने आपको बताया ये थे जी आपको नुस्खे जो कि हर मौसम के लिए, एक ये गर्म नुस्खा आपको बताया, माजून वाला ठंडा नुस्खा है गर्मी का नुस्खा है, और वो जो मेडिसिन वाला सदाबहार घंटे वाले कबूतर को भी वो 2-3 बजे के बाद ही बिठाएगा, इंशाल्लाह आप मजा आएगा, हमारे साथ रहे, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, हमारे साथ रहे, अभी काफी आपको कुछ बताना है हर तरह से। हाँ सच, हमारे दोस्त दुबई से आए हैं उस्ताद वकास, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कल या परसों इनकी वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे, आपको कबूतरों के टिप्स बताएंगे वो,
दुबई के बहुत बड़े उस्ताद हैं, आपको पता ही नहीं है, वो हमारे साथ आ रहे हैं। कल उनकी इंशाल्लाह वीडियो हम बना के वीडियो अपलोड करेंगे उनकी, और आपको बताएंगे कि कबूतर हमारे कई कबूतर परवर हमसे पूछ रहे थे पार कैसा होना चाहिए, जोड़े कैसे लगाए, कबूतर का क्या होना चाहिए, कबूतर किस तरह का होना चाहिए, सब आपको बताएंगे। मैं भी उनके साथ आपको साथ-साथ टिप्स देता रहूंगा, लेकिन हमने कहा चलो अपने व्यूवर्स को जरा दुबई के कबूतरों का भी शौक कराएं, टेम्परेचर कैसा होता है, बाजियां शाम को कैसे बैठते हैं कबूतर, सब बताएंगे। हमारे साथ रहना, अपने हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर भी करें, दोस्तों को बताएं। अपना बड़ा ख्याल रखें, खुशियां बिखेरते रहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुशी ही है। अल्लाह हाफिज़।